हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ बिजनेस न्यूज़ एंड उनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। गूगल ने कर्मचारियों को दिया हफ्ते में 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश। दुनिया की प्रमुख टेक कंपनी गूगल ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गूगल ने हफ्ते में 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। कंपनी के दुनिया भर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शुक्रवार से लेकर के रविवार तक अवकाश मिलेगा। उन्हें सिर्फ सोमवार से गुरुवार तक काम करना होगा। कंपनी ने यह फैसला वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लिया है। गूगल ने प्ले स्टोर से डिलीट किए 5000 फर्जी एप्स। लालच देकर मोबाइल के सिस्टम पर करते थे कब्जा। प्ले स्टोर में फर्जी एंड्रॉइड एप्स की एंट्री को रोकने के लिए सर्च इंजन गूगल लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। गूगल ने इन फर्जी एप्स का पता लगाने के लिए दिग्गज सुरक्षा फर्मों के साथ गठजोड़ भी किया। इसी कड़ी में व्हाइट ऑप्स स्टोरी थ्रेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च टीम ने 65,000 फोन पर टेराकोटा विज्ञापन धोखाधड़ी संचालन करने के मामले में 5,000 फर्जी ऐप्स की खोज की। ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए ये सभी ग्राहकों को फ्री सब्सक्रिप्शन, प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट, कॉन्सर्ट टिकट और अन्य फ्री गिफ्ट देने की पेशकश करते हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा ये ऐप्स कभी भी अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते हैं। एप्पल से लेटेस्ट न्यूज। एप्पल जल्द लॉन्च कर सकता है अपना सर्च इंजन। गूगल से होगा सीधा मुकाबला। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल खुद के सर्च इंजन पर काम कर रही है। खबर है कि कंपनी जल्द ही अपना सर्च इंजन लॉन्च करेगी, जिसका सीधा मुकाबला गूगल से होगा। एप्पल के सर्च इंजन के बारे में जानकारी iOS 14 के बीटा वर्जन से मिली है। बता दें कि गूगल एप्पल के डिवाइस में अपना सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाए रखने के लिए एप्पल को लाखों डॉलर्स देता है। एयरटेल ला सकता है सस्ते 4G स्मार्टफोन, वेंडर से चल रही है बात। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ऑनर 30i हुआ लॉन्च, मिलेगी 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी। यात्रा के दौरान वीडियोग्राफी करने पर संबंधित एयरलाइन की 2 सप्ताह के निलंबित होगी उड़ान। एविगेशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कहा है कि किसी भी यात्री विमान में एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 के उल्लंघन के मामले में उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से 2 सप्ताह के निलंबित कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।